हेलो बच्चों, लोग क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जेई एडवांस PYQ का, बहुत एडवांस्ड क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, इसलिए इनका नाम है जेई एडवांस। EDTA, क्या EDTA NCERT में है? बिल्कुल है। कैसा होता है इसका? चार बार एसीटेट, टेट्रा एसीटेट है ना, डाइअमीन, इथिलीन डायामीन। तो इथिलीन मतलब इथ मतलब दो कार्बन के साथ, डायामीन और एन पे ये। तो टोटल साइड कितने होते हैं इसमें? छः होते हैं वैसे तो। नाइट्रोजन नाइट्रोजन दिस 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 दिस, ठीक है। अब बोला है कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन देते रहते हैं लोग। टोटल नंबर ऑफ इतना बॉन्ड एंगल इन कॉम्प्लेक्स आयन, तो NC कोबाल्ट ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, ये रहा एक कोबाल्ट, इसमें टोटल एक ही EDTA है वैसे तो। इस कोबाल्ट को क्या नाइट्रोजन अटैक करेगा? करेगा, दूल्हा बनाते हैं, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। मुश्किल में क्या पड़ेंगे? बना नहीं पाएंगे ढंग से, और क्या। अब एक नाइट्रोजन में, जैसे ये फर्स्ट नाइट्रोजन मान लेते हैं, इसमें कितना कार्बोक्सिलेट है? दो कार्बोक्सिलेट है, ठीक है। ये कनेक्टेड होने का ज़रूरत नहीं है ना, ये कोई चेन नहीं बना रहा है। दो कार्बोक्सिलेट है तो, और कार्बोक्सिलेट का कहाँ से जुड़ेगा? ये ऑक्सीजन से। तो अब सही से बताओ, वन और वन का कॉम्बिनेशन करेंगे तो कितना बॉन्ड आया एन कोबाल्ट ऑक्सीजन वाला? एन, इस रास्ते से चले, एन कोबाल्ट ऑक्सीजन, कितने बॉन्ड्स? एक बॉन्ड, ठीक है। तो अब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोबाल्ट है बीच में फंस जाएगा, और ऐसे वैसे ही कोबाल्ट इससे भी जुड़ा होगा, ठीक है। तो दूसरा रास्ता, तो ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सिमिलरली कोबाल्ट इससे भी जुड़ा होगा, तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता। तो एक एन से कितना सारा रास्ता मिल रहा है? ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ नहीं बनाते हैं फॉर द टाइम में। सिमिलरली दूसरा एन में भी एन तो जुड़ा हुआ है ही, इन साहब के पास अपना ऑक्सीजन है, इसके पास एक और ऑक्सीजन है। अब देखिए रास्ता टोटल, हम लोग को देखना है एन से जाना है कोबाल्ट पे, कोबाल्ट से जाना है ऑक्सीजन पे। तो देखिए रास्ता, एन कोबाल्ट इधर से गए, और कितना ऑक्सीजन है? एक एन से कोबाल्ट पे गए, इसको वन बोलते हैं, पाथ वन। NCO बॉन्ड कितना है? एन नाइट्रोजन और कोबाल्ट का बॉन्ड तो दो ही है सिर्फ ना। रास्ता नंबर वन से जाते हैं तो कितनी बार ऑक्सीजन की तरफ जा पाएंगे? वन टू थ्री फोर। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हुआ? अगर रास्ता नंबर वन से जाएंगे तो वन टू, तीसरा रास्ते पे जा सकते हैं और चौथे पे। तो एक नाइट्रोजन वाले रास्ते पे कितना कॉम्बिनेशन है, कितना ये वाला बॉन्ड आया? चार। वैसे ही दूसरे वाले से भी चार होगा, देख लेते हैं। एन से CO की तरफ गए, एन से CO जाना है, फिर CO से ऑक्सीजन जाना है, ठीक है। तो CO से ऑक्सीजन जाइए, ये वन था, उस तरफ से आए थे, इस तरफ से जाएंगे बोल देते वन डैश, फिर से टू डैश, थ्री डैश, और यहाँ से फोर डैश। ये वाला है? नहीं, ये वाला है फोर डैश, ठीक है। समझ में आया क्या हो रहा है? तो यही था, बाकी कोई लॉजिकली सोचेगा तो भी समझ में आ जाएगा कि ये कोबाल्ट से लगा हुआ है, कोबाल्ट इससे लगा हुआ है, इससे लगा हुआ है, इससे लगा हुआ है, इससे लगा हुआ है। तो ये एन से कोबाल्ट जाते हुए ऐसे ऑक्सीजन में कितनी बार पहुंचेंगे? चार बार। वैसे ही इस एन से कोबाल्ट में जाके ऑक्सीजन के पास कितने बार पहुंचे? चार बार। और टोटल कितना हुआ? एट टाइम्स, ठीक है। और यही अपना आंसर है, चार बार प्लस चार बार इक्वल टू एट। ऐसे वाले रास्ते हैं, यहाँ पे बॉन्ड एंगल है या बॉन्ड्स है, जितना बॉन्ड होगा उतना ही तो बॉन्ड एंगल होगा, क्लियर। क्योंकि टेढ़ाई है ना, एन से सी हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, फिर ओ पे जाए तो एक टेढ़ाई तो बना। दो लाइन सेगमेंट मिलके क्या बनाता है? एक एंगल। दो लाइन सेगमेंट एक एंगल, तो दो लाइन सेगमेंट ही है ना, लाइन सेगमेंट वन ए, लाइन सेगमेंट बी, मिला के दो लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल, तो इसलिए बॉन्ड एंगल पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये बॉन्ड भी पूछता तो भी यही आंसर होता, ठीक है। होपफुली समझ आया होगा, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा सा 3D, थोड़ा सा समझदारी। ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक
थैंक्स फॉर वॉचिंग।